गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी और उसमें अपने जो चैप्टर था वो था गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति के ऊपर अपने चर्चा कर रहे थे और कल के वीडियो में अपने गठबंधन की राजनीति का अर्थ, गठबंधन की राजनीति कब प्रारंभ हुई, कौन कौन से गठबंधन बनते हैं और गठबंधन की राजनीति की विशेषताएँ क्या होती है, इनके ऊपर अपने चर्चा कल के वीडियो में की थी। आज अपने उसी गठबंधन की राजनीति का सेकंड पार्ट अपने पढ़ते हैं, जिसमें अपने बात करेंगे गठबंधन की राजनीति से होने वाले लाभ और उससे होने वाली हानियां, या अपने सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव। तो स्टार्ट करते हैं अपने गठबंधन की राजनीति। देखो, गठबंधन की राजनीति क्या होती है। अपने कल अपने बात की थी कि जब किस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर जो है वो गठबंधन कर लेती है और सरकार का निर्माण करती है। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है, उसको बोलते हैं अपने गठबंधन सरकार। और इसका प्रारंभ जो है वो 1967 के जो चौथे आम चुनाव हुए थे। देखो, पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, दूसरे हुए थे अपने 1957 में। मतलब हर 5 साल से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। पहले लोकसभा के आम चुनाव 1952 में हुए थे, ठीक है। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस जो थी उसको कुछ राज्यों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इस वजह से वहां से अपने चौथे आम चुनाव से गठबंधन की राजनीति प्रारंभ होती है। और पहली गठबंधन सरकार जो बनी थी वो कब बनी थी, छठे आम चुनाव में 1977 में। मोरारजी देसाई अपने पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सारी चर्चा अपने कर चुके हैं, अब अपने बात करते हैं गठबंधन की राजनीति के लाभ। लाभ बोल दो या अपने बोल दे कि गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभाव, देखो गठबंधन की राजनीति से कौन कौन से फायदे होते हैं उनकी अपने बात करते हैं। तो पहला लाभ तो हो गया कि शासन जो है वो निरंकुश नहीं बन पाता, शासन निरंकुश नहीं बन पाता। देखो, कल अपने बात की थी कि गठबंधन की जो राजनीति होती है उस गठबंधन में 20 से लेकर 24 तक राजनीतिक दल जो होते हैं वो शामिल होते हैं। देखो, गठबंधन में अपने कल बात की थी दो प्रकार के गठबंधन है, एक तो NDA, एक UPA। इसके अलावा एक वामपंथी विचारधारा का गठबंधन और है, लेकिन मेन गठबंधन जो है ये NDA और UPA है, जिसमें NDA में मेन पार्टी BJP है और इसमें कांग्रेस है। तो देखो, इसमें शासन निरंकुश नहीं बन पाता। निरंकुश इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि गठबंधन की राजनीति होगी, इस गठबंधन में 20 से लेकर 24 तक राजनीतिक दल शामिल होंगे। मतलब सभी दलों के अलग अलग सिद्धांत होंगे, सभी दलों के अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग विचार होंगे, उद्देश्य होंगे। तो गठबंधन की राजनीति में जो मंत्रिपरिषद बनेगी ना, उस मंत्रिपरिषद में किसी भी एक दल के सदस्य तो होंगे नहीं। मंत्रिपरिषद जो होगी, जैसे मान लो ये मंत्रिपरिषद है, अब गठबंधन मान लो अपने 23 पार्टी से मिलकर बनाए, तो हर पार्टी के एक एक दो आदमी इसमें मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। तो ये जो अलग अलग पार्टियों के मंत्रिपरिषद में लोग शामिल होंगे, ये निरंकुश नहीं बन पाएंगे। मतलब ये अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग पार्टियों के, अगर मान लो कोई मान लो अकाली दल का है, वो अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो ये जनता दल वाला है, ये इसके ऊपर रोक लगा सकता है। जनता दल वाला अगर मनमर्जी कर रहा है तो कोई भाजपा का है, वो इसके ऊपर रोक लगा सकता है, या कोई शिवसेना का है, वो इसके ऊपर रोक लगा सकता है। मतलब ये अलग अलग क्षेत्रीय दल होते हैं, इन अलग अलग क्षेत्रीय दलों के मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद में होंगे, जिनकी वजह से वो क्या हो गए, एक प्रकार से निरंकुश नहीं बन पाएंगे। उनकी जो कार्य करने की जो सीमाएं होंगी, उनके जो अपने पावर होंगे, उनके ऊपर क्या होगा, अंकुश होगा। किसी अगर यहाँ पे मान लो एक ही दल की मंत्री परिषद होती, जैसे मान लो सारे मंत्री एक ही दल के हैं,
तो वहां पर तो निरंकुश बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का बहुमत है, लेकिन यहाँ पर बहुमत है नहीं, तो ये निरंकुश नहीं बन पाएंगे, अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये डर रहेगा कि कहीं कोई सा भी क्षेत्रीय दल अलग हो गया तो सरकार किस कंडीशन में आ जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी। जैसे मान लो बीजेपी की, ये मान लो ये कोई बीजेपी का मंत्रिपरिषद नेता है, ये निरंकुश बन गया, अपनी मनमर्जी कर रहा है, अपने जो डिसीजन है उनको लागू कर रहा है, अन्य दलों को कोई महत्व नहीं दे रहे, तो अगर मान लो इससे नाराज होकर एक या दो दल भी अलग हो जाए ना गठबंधन से, तो वो सरकार क्या है, गिर जाएगी, अल्पमत की कंडीशन में आ जाएगी। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार जो होती है वो निरंकुश नहीं बन पाती, उसके ऊपर अन्य क्षेत्रीय दलों का क्या होता है, अंकुश होता है, मंत्रिपरिषद अपनी मनमानी तरीके से कार्य नहीं कर सकती। दूसरा, अधिक योग्य लोगों से देश को लाभ। देखो, अधिक योग्य लोगों के योगदान से देश को लाभ। देश को लाभ कैसे होगा? अधिक योग्य लोग कैसे? गठबंधन में अभी बात की थी अपने कितने दल होते हैं, 20 से लेकर 24 तक दल हो सकते हैं। तो इन सभी दलों से जो मेन मेन व्यक्ति है, जो मोस्ट मोस्ट व्यक्ति है, जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं, एक अच्छे नेता है, उन्हीं को किसमें शामिल किया जाएगा? मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा, मतलब योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा, कर्मठ योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा मंत्रिपरिषद में, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अपने देश को मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात, अपने व्यापक समर्थन। व्यापक समर्थन कैसे? देखो, एक ही दल है, मान लो इसे मान लो बीजेपी है, भाजपा है, इस भाजपा के समर्थन में मान लो अपने 1 करोड़ लोग हैं। एक दल है मान लो शिवसेना, इसके 50 लाख समर्थक है, भाजपा के अपने 1 करोड़ है, जनता दल के मान लो अपने 20 लाख है, अकाली दल के मान लो अपने 10 लाख है, तो इस गठबंधन से क्या होगा? गठबंधन की सरकार होगी, तो गठबंधन की सरकार में जी ये सारे दल एक हो जाएंगे, सारे दल एक हो जाएंगे तो इनका जन समर्थन, मतलब ये जो सारे लोग हैं ये भी क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से एक हो जाएंगे, मतलब ये भी एक प्रकार से एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि गठबंधन की सरकार जो होती है, इस गठबंधन की सरकार में जनता का समर्थन भी अत्यधिक होता है, जनता का समर्थन भी अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दल अधिक होंगे तो उन दलों के समर्थक होंगे वो भी अधिक होंगे, और इस प्रकार से व्यापक जन समर्थन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है अपनी सशक्त विपक्ष का निर्माण, सशक्त या मजबूत। देखो, एक बात ध्यान रखना, गठबंधन जो है वो हमेशा जरूरी नहीं कि, अब जैसे मान लो अपने एनडीए की सरकार है, अपने वर्तमान में किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, ठीक है, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है वो कौन सी हो गई? विपक्ष का मतलब कौन सा हो गया? जो पार्टी सत्ता में नहीं है। एक तो होती है देखो पक्ष या सत्ताधीन पार्टी, एक होती है सत्ताहीन, दो तरह की होती है, एक तो सत्ता पक्ष होता है और एक होता है सत्ता विपक्ष, मतलब जिस पार्टी की सरकार है वो तो सत्ता पक्ष हो गया, और जो पार्टी की सरकार नहीं है वह क्या हो गया, सत्ता विपक्ष। तो अपने देखो विपक्ष में कौन सी पार्टी है, अभी अपने बात करें तो अपने कांग्रेस है, और कांग्रेस का गठबंधन कौन सा है, यूपीए। अभी आपको पता हो 17वीं लोकसभा के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जितने भी छोटे मोटे क्षेत्रीय दल थे उन्होंने गठबंधन ही नहीं, अपने कह दिया कि महागठबंधन बना लिया था, मतलब कुछ ऐसे दल थे जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, कुछ ऐसे नेता थे जो एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे, लेकिन उन सभी ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपस में हाथ मिला लिए, लेकिन फिर भी जो है वो अपने बीजेपी की जो है वो क्या हुई, विजय हुई। तो अब यहाँ पे सत्ता पक्ष में आ गई एनडीए या भाजपा, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आ गई, लेकिन दूसरी तरफ कौन सा हो गया, विपक्ष हो गया। देखो गठबंधन हमेशा दोनों तरफ होता है, सत्ता पक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी होगा। अगर विपक्ष में गठबंधन होगा, अगर मान लो एक ही दल है विपक्ष में कांग्रेस, ठीक है, तो ये इतना ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता, इतना ज्यादा बीजेपी का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन मान लो कांग्रेस के साथ में 8-10 क्षेत्रीय दल और मिल गए, तो ये
यूपीए का जो गठबंधन है वो कैसा हो गया, सशक्त हो गया, मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया। यह विपक्ष जो है वो क्या करेगा, सत्ता पक्ष का क्या कर सकता है, विरोध भी एक मजबूती के साथ में कर सकता है। तो देखो सीधी सी बात याद रखना, विपक्ष का प्रमुख कार्य क्या होता है, सत्ता पक्ष की जो नीतियाँ जो सिद्धांत होते हैं उनका क्या करना, विरोध करना। इसके अलावा अपने एक पॉइंट और दे सकते हैं, अतिवाद से मुक्ति। अतिवाद से मुक्ति, देखो अतिवाद का मतलब क्या हो गया, अगर गठबंधन की राजनीति होगी तो गठबंधन की राजनीति में सत्ता पक्ष के द्वारा, मतलब जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की सरकार के द्वारा कोई भी कानून, कोई भी नीति, कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत जो है वो जनता पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गठबंधन में शामिल अन्य दल जो होंगे वो क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति से अतिवाद से भी क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो ये थे अपने गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव, या अपने दूसरी भाषा में कह दे कि गठबंधन की राजनीति के लाभ। अब अपने बात करते हैं गठबंधन की राजनीति से होने वाली हानियां, या गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हो गए, मतलब इससे कौन कौन से फायदे होते हैं उनके ऊपर अपने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की, गठबंधन से कौन कौन से नुकसान भी हो सकते हैं। पहला अपने नकारात्मक प्रभाव है, जो सरकार होती है वो कैसी बनती है, इनमें अस्थायी। तो पहला प्रभाव अपने कह सकते हैं, अस्थायी सरकारों का क्या होता है, निर्माण होता है। अस्थायी सरकारों का निर्माण कैसे होगा, देखो गठबंधन की राजनीति में कितने दल शामिल हो सकते हैं, 20 से लेकर 24 तक, मतलब 24 तक अधिकतम दल शामिल हो सकते हैं, इस प्रकार का अपने यहाँ पे सिस्टम है। तो अब देखो क्या होगा, गठबंधन में अपने जब एक किसी, मान लो अपने जैसे बीजेपी है, भाजपा है, भाजपा की मान लो गठबंधन सरकार है, भाजपा में अपने शिवसेना है, अकाली दल है, जनता दल है, तेलुगु देशम है, ये कई पार्टियां, कई क्षेत्रीय दल जो है मिलकर इन्होंने क्या बनाया है, गठबंधन की सरकार बनाई है। अब मान लो किसी भी क्षेत्रीय दल के, जैसे मान लो जनता दल है, इस जनता दल की कोई मांग है और उस मांग को जो है वो बीजेपी सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, या इसकी मांग को, इसके हितों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो यह जनता दल क्या करेगा, गठबंधन तोड़ देगा, इस बीजेपी सरकार को छोड़कर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये गठबंधन की सरकार जो है वो किस में आ जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी, इसको त्यागपत्र देना पड़ेगा और दोबारा चुनाव हो सकते हैं, या जो फिर बहुमत में जो पार्टी होगी उसकी सरकार बनेगी। जैसे अपने को याद हो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी सरकार जो है वो कितने दिन चली थी, मात्र 13 दिन ही इनकी सरकार चली थी। क्यों? क्योंकि वह गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार होने की वजह से, गठबंधन की सरकार होने की वजह से क्या हुआ, कुछ क्षेत्रीय दल जो है उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, और मात्र 13 दिन में ही ये सरकार जो है वो अपने टूट गई, या इस सरकार का क्या हो गया, विखंडन हो गया। तो पहला नुकसान तो ये होता है गठबंधन की सरकार से, कि जो सरकारें होती है वो अस्थायी होती है, उनका कोई विश्वास नहीं है कि वो पूरे 5 साल कार्य कर ही सके। और इसका उदाहरण अपने 1996 में की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो मात्र कितने दिन चली थी, 13 दिन चली थी। दूसरा बात अपने करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। देखो सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव कैसे, देखो गठबंधन की राजनीति में क्या होता है, जितने भी दल शामिल होते हैं उन सभी दलों का उद्देश्य, उन सभी दलों का लक्ष्य, उन सभी दलों के सिद्धांत, उन सभी दलों के विचार जो है वो कैसे होते हैं,
अलग अलग होते हैं, उनमें क्या नहीं पाई जाती, सामूहिकता नहीं पाई जाती, उनमें आपसी समन्वय की भावना नहीं पाई जाती, उनमें आपसी मेलजोल की भावना नहीं पाई जाती। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तीसरा अपने कह सकते हैं कमजोर सरकार। कमजोर सरकार कैसे, गठबंधन की जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार कमजोर सरकार होती है। क्यों होती है, इस कारण होती है क्योंकि गठबंधन की सरकार में दो या दो से अधिक दल शामिल होंगे। तो अब क्या होगा, दो या दो से अधिक दल शामिल होंगे तो जो मंत्री परिषद है या जो प्रधानमंत्री है या अपने कह दें कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वह किसी भी निर्णय को दृढ़ता के साथ में नहीं ले सकती। कोई भी डिसीजन है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले गठबंधन की सरकार में आपस में क्या करना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है, सभी दलों की राय लेनी पड़ती है, सभी दलों की अगर किसी मामले को लेकर हाँ होती है तभी उस फैसले को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। जैसे मान लो अपनी ये अपने गठबंधन की सरकार हो गई एनडीए सरकार, और इसका मेन दल कौन सा हो गया, भाजपा हो गया अपने, ठीक है। गठबंधन की सरकार में एनडीए का मेन दल कौन सा होता है, भाजपा, और यूपी का कौन सा होता है, कांग्रेस। अब मान लो इस भाजपा सरकार को कोई डिसीजन लेना है, जैसे मान लो एनआरसी का डिसीजन लेना है या नोटबंदी वाला मान लो डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन मान लो। अब ये क्षेत्रीय दल है, ये कह देगा हाँ सही है, ये भी कह देगा सही है ले लो, ये भी कह देगा सही है, लेकिन अगर इन्होंने मना कर दिया तो ये डिसीजन लागू नहीं हो सकता। इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि अगर इनकी बात को महत्व नहीं दिया गया तो ये क्या करेंगे, गठबंधन को तोड़ देंगे। गठबंधन को तोड़ देंगे तो ये सरकार कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, अल्पमत की कंडीशन में आ जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया कि गठबंधन की जो सरकार होती है वह कमजोर सरकार होती है, वह क्षेत्रीय दलों के दबाव में, क्षेत्रीय दलों के प्रेशर में कार्य करती है, किसी भी निर्णय को दृढ़ता के साथ में लागू नहीं कर सकती। इसके अलावा गठबंधन की सरकार जो होती है उस सरकार में प्रधानमंत्री जो होता है उसकी शक्तियां भी जो है वो कैसी होती है, सीमित होती है। प्रधानमंत्री की भूमिका जो है वो भी कैसी होती है, सीमित होती है। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो अपने विवेक के अनुसार, अपने स्वयं के चिंतन तर्क के आधार के ऊपर कार्य नहीं कर सकता। उसको कोई भी डिसीजन लागू करने से पहले वही बात है, सभी क्षेत्रियों के दल के साथ में क्या करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, सभी क्षेत्रीय दल से राय मशवरा करना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की भूमिका जो होती है वह भी क्या होती है, सीमित होती है। वह भी एक प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनमर्जी के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा अपने अन्य नकारात्मक प्रभाव देखे, क्षेत्रीय दलों की प्रभुता में वृद्धि। क्षेत्रीय दलों की प्रभुता में वृद्धि कैसे, देखो गठबंधन की सरकार में क्या होता है, एक तो मेन दल होता है जिसे मान लो भाजपा, बाकी ये कौन से दल शामिल होंगे, लगभग क्षेत्रीय दल शामिल। देखो क्षेत्रीय दल किसको बोलते हैं, ऐसे दल जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, या ऐसी पार्टियां जो किसी एक या दो राज्य तक ही सीमित होती है, वो कौन से होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में, अकाली दल अपने पंजाब में, तेलुगु देशम अपने तमिलनाडु में, ये कैसे दल है, क्षेत्रीय दल है। क्यों, क्योंकि इनकी ये जो पार्टियां हैं वो पूरे देश में नहीं है, ये राजनीतिक दल जो है वो लिमिटेड क्षेत्रों में है, इसलिए इनको क्षेत्रीय दल बोलते हैं। तो देखो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव में वृद्धि कैसी होगी, गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय दल शामिल होंगे तो ये क्षेत्रीय दल जो है वो क्या करेंगे, अपने क्षेत्र विशेष के जो कार्य है, अपने क्षेत्र विशेष के जो हित है, उनको क्या देंगे, महत्व देंगे। ये कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया कि गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय हितों को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय हित तो है ही है, राष्ट्रीय हितों के साथ साथ में क्षेत्रीय महत्व को भी क्या दिया जाएगा, क्षेत्रीय हितों के महत्व को भी क्या दिया जाएगा, क्षेत्रीय विषय जो है उनको भी महत्व दिया जाता है। तो अपने अगला पॉइंट था क्षेत्रीय दलों की प्रभुता में वृद्धि। इसके अलावा सरकारों के स्थायित्व का अभाव।
सरकारों के स्थायित्व का अभाव, सरकारों के स्थायित्व का अभाव क्यों? गठबंधन की राजनीति, देखो यही पॉइंट है, अपने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था कि गठबंधन की राजनीति होती है उसमें कई क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं। कई क्षेत्रीय दल शामिल होने से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि क्षेत्रीय दल के सिद्धांतों को, उसके हितों को अगर महत्व नहीं दिया जाता तो वह दल गठबंधन तोड़कर विपक्ष दल में शामिल हो जाता है, जिससे सरकार जो है वो कैसी कंडीशन में आ जाती है, अल्पमत की कंडीशन में आ जाती है। सरकार स्थायी नहीं रह सकती, सरकार एक प्रकार से क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, सरकार भंग हो जाती है, सरकार टूट जाती है। तो अपना अगला पॉइंट था अपने सरकार के स्थायित्व का अभाव। इसके अलावा राष्ट्रीय हितों को हानि, देखो ये मेन पॉइंट है, गठबंधन की राजनीति से राष्ट्रीय हितों को क्या होती है, हानि होती है। हानि इसलिए होती है क्योंकि गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं, तो क्षेत्रीय दल क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य, अपने प्रांत, अपने एरिया के विकास के लिए ज़्यादा कार्य करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के विषय को कम महत्व देंगे। अरे जैसे मान लो अपने अकाली दल है, अकाली दल कहाँ पर है, अपने पंजाब में है, तो ये अकाली दल जो है वो किसके विकास के लिए कार्य करेगा, पंजाब के विकास के लिए कार्य करेगा। एक अपने दल है तेलुगु देशम, दक्षिण भारत में तमिलनाडु साइड में है, तो ये जो दल है वो किसके विकास के ऊपर बल देगा, दक्षिण भारत के विकास पर बल देगा। शिवसेना जो महाराष्ट्र में है अपनी, शिवसेना किसका विकास करना चाहेगी, महाराष्ट्र का विकास करना चाहेगी। तो कहने का मतलब हो गया कि गठबंधन की राजनीति में राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है, राष्ट्रीय हितों के मुकाबले जो अपने क्षेत्रीय हित होते हैं इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वह भी इन क्षेत्रीय दलों के दबाव में क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा अपने कुछ और पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे आपसी तालमेल का अभाव, आपसी तालमेल का अभाव मतलब जो क्षेत्रीय दल होंगे, इन क्षेत्रीय दलों में जो नेता वगैरह होते हैं वो नेता अलग अलग पार्टियों के नेता होंगे, अलग अलग विचारों को, अलग अलग सिद्धांतों को मानने वाले नेता होते हैं, इनके सिद्धांत विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनके सिद्धांतों में, इनके विचारों में समन्वय या आपसी तालमेल नहीं पाया जाता। इसके अलावा अपने सुदृढ़ विदेश नीति जो है इसका भी क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो ये था अपने देखो आज का टॉपिक गठबंधन की राजनीति, जिसमें अपने गठबंधन की राजनीति के अपने सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव की अपने बात की है। अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपने। अब देखो इस वीडियो में अगर आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ओके, दैट्स ऑल।